हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के शरीर की जकड़न को कैसे दूर भगाएं। अगर आपके बच्चे के शरीर में भी जकड़न होती है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। सर्दियों ने दस्तक दे दी है और हर माँ को यह फिक्र सताने लगी है कि वो अपने बेबी को सर्दी लगने से कैसे बचाए। कड़ी ठंड में कितना भी उपाय कर लें, बेबी को सर्दी लग ही जाती है। ऐसे में हजारों जतन करने पड़ते हैं कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। इसी डर से माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को सर्दी से सुरक्षित रखे। बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए कुछ प्राकृतिक और घरेलू उपाय काफी कारगर साबित होते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बच्चे को भी आराम रहता है। चूंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता भी बहुत मजबूत नहीं होती है, ऐसे में उनका खास ख्याल रखना और प्राकृतिक उपचार करना ही सबसे बड़ा हथियार है जो उन्हें सर्दी से बचा सकता है। आइए जानते हैं कि बेबी को क्या बनाकर दे जिससे उसे सर्दी ना लगे और वो ठंड में स्वस्थ रहे। एक गिलास गुनगुना पानी, नमक एक चम्मच, थोड़ा सा नाक में डालने वाला ड्रॉप। यह उपचार सुरक्षित है और नवजात शिशु को भी दिया जा सकता है। इससे सर्दी दूर भाग जाती है और बच्चे को गर्मी मिलती है। इस घरेलू उपाय को देने से बच्चे की श्वसन नली में मौजूद मस्कस लेयर हट जाती है और उसे जकड़न नहीं होती है, साथ ही शरीर के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि। गुनगुने पानी या गर्म पानी में नमक को मिलाएं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। पानी के ठंडा होने तक इसे रख दें। अब इस घोल को बच्चे की नाक में दिन में सिर्फ दो बार बहुत ही कम मात्रा में डालें। इससे नवजात को आराम मिलेगा और उसकी जकड़न भी दूर हो जाएगी। जब तक बच्चे को सर्दी हो तभी तक ये उपचार इस्तेमाल करें। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना बच्चों के शरीर की जकड़न को कैसे दूर करें। अगर सर्दी के मौसम में आपके बच्चे के शरीर में भी जकड़न हो जाती है तो आपको इन टिप्स को जरूर करना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें बेबी हेल्थ गाइड चैनल को। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। थैंक यू।